हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे है और आज संडे में और भी स्पेशल डे है, आज रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन भाई बहन का असीम प्रेम को दर्शाता है और मैं आप लोगों को रक्षाबंधन का बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूँ। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू किया जाए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये है, ये तो बुक है। मुझे कई बार कमेंट, बहुत सारा कमेंट मिलते रहता है कि सर आप संस्कृत का क्यों नहीं देते हैं, संस्कृत का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारा कमेंट आने के कारण क्या क्या, संस्कृत का कुछ बुक्स मुझे जरूरी था जो लिया नहीं था मैंने। तो मेरे पास ये बुक पहले से था, लेकिन जब था उस समय जरूरत नहीं था, और जब जरूरत पड़ा उस समय नहीं था। बुक्स पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है बीच में। तो इस किताब को खरीदना पड़ गया मुझे। ये संस्कृत ग्रामर है और इसमें कई सारा चीज जो है सटीकता से मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा। कोई भी चीज़ में कंफर्म नहीं रहेगा तो फिर उसको वीडियो बनाना सही नहीं है, डाउटफुल वीडियो नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए इस बुक को मैंने ले लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि पहले नीचे क्लास से शुरू किया जाए, 3-4 क्लास से संस्कृत का वीडियो शुरू किया जाए। इसके बाद दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए। हालांकि आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन गूगल एडसेंस का पिन आता है, गूगल पिन जो होता है, तो उसको एक प्रक्रिया में आपको चैनल अपने चैनल में डालना पड़ता है। तो मैं एक्चुअली इसको वेरीफाई कर चुका हूं, तो इसको वेरीफाई करते हुए आपको नहीं दिखाया क्योंकि मेरा चैनल कोई टेक्निकल चैनल तो है नहीं, इसमें स्पेशली मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। तो ये जो है वेरिफिकेशन कोड जो है आता है, सबके चैनल में आएगा, जो लोग यूट्यूबर हैं वो लोग जानते ही होंगे। इसके बाद और दूसरा स्टेप होता है, आपको अकाउंट नंबर को उसमें ऐड करना पड़ता है। ये तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बात क्या है, अब गूगल नहीं, ये यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब में अब वैसे तो सारे यूट्यूबर का एक सबसे पहला जो टारगेट रहता है कि 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम जो होता है वो कंप्लीट कर लिया जाए। सारे ये सोचते हैं कि ये कंप्लीट हो गया ना, सारा काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं भी आंकड़ा लगा के बैठा हुआ था कि अरे यार कितना ये टाइम लगेगा, इतना दिन में अगर इतना डॉलर बन रहा है तो 4-5 महीना होते होते पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा कि आसमान से गिरे और फिर खजूर पे लटके, वो हाल हो गया। कुछ मालूम तो रहता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है। अब क्या कर रहा है यूट्यूब, मैं तो कहता हूँ यूट्यूब को ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा कर रहा है। अब क्या कर रहा है, जो अर्निंग बन रहा है उसको काटते जा रहा है। अब हम लोगों की हालत क्या हो गई, अरे हट जाओ यार, हट जाओ। अब हम लोग की क्या हालत हो गई और यूट्यूब के बारे में हम लोग क्या कहेंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ, अरे यार बच्चे की जान मत लो। लेकिन पता नहीं यूट्यूब का क्या रूल कंडीशन है। मैंने मैसेज किया था इसमें, ट्विटर में मैसेज किया था, अब वहाँ पे मैसेज किया तो वहाँ से कुछ रिप्लाई आया कि टर्म एंड कंडीशन है यूट्यूब का, आप जब मोनेटाइज कर रहे थे उस समय टर्म कंडीशन आपको बतलाया गया था। अब क्या टर्म कंडीशन है, इतना लंबा टर्म कंडीशन लेके बैठा हुआ है कि सारा काट काट के बराबर कर रहा है। खैर अब इसकी बात नहीं करेंगे। अब जो भी है, मैंने हिसाब किताब तो लगाया था, लेकिन वो अपना हिसाब किताब जो है YouTube अपना हिसाब किताब लगा चुका है और पता नहीं कब पूरे का क्या होगा। अब मैं तो देखने भी नहीं जाता कि क्या अर्निंग हो रहा है और क्या कट रहा है, हिसाब किताब बंद कर दिया, जो होना है होने दो। वैसे भी कहा जाता है गाय घास क्यों खाती है, इसका सीधा सा जवाब है गाय के पास कोई चारा नहीं होता। वही हाल हम लोग का है, हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ दें या उसमें बने रहें। तो छोड़ने से तो कुछ होने जाने को है नहीं, बने रहेंगे तो संभावना तो बने रहेगी कि हाँ आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पे बने हैं, जो होना होगा होगा। चलिए अब इसको खत्म करते हैं। अब रही बात रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र प्रेम का त्यौहार है और हमारे इंडिया में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। अभी मैं कल जो है अपने ट्यूशन में गया, बच्चे सारे थे, तो बच्चों को मैंने दे दिया कि रक्षाबंधन पे आप जो है निबंध लिख के बताओ। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोले सर तो हम तो 2 लाइन जानते हैं, रक्षाबंधन में राखी बांधा जाता है, कि इतना सारा सिंपल सा ये जो एक त्यौहार है और उसके बारे में आपको अगर एक पेज लिखने के लिए दिया जाता है। हालांकि मैंने कहा था कि संडे को पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना सा एक छोटा सा बात जान लीजिए कि इसके बगैर आप मतलब मस्ती करेंगे, टाइम पास करेंगे, मस्ती वही है जो जहाँ पे कुछ सीखने को भी मिल जाए और आपको एक मनोरंजन भी मिल जाए, वही है। बिना फालतू अगर आप टाइम पास करते हैं उसका परिणाम बहुत खराब होगा, क्योंकि संडे को आपको खाने का छुट्टी नहीं रहता। समझिए कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है, ये टाइम जो आपका चला जाएगा वो फिर कभी नहीं आएगा, और इस टाइम आपका सीखने का समय है। अगर इस टाइम आप सीख नहीं सके तो फिर बाद में नहीं सीख पाएंगे।
इसीलिए मस्ती करना है, लेकिन ऐसा मस्ती करना है, ऐसा फन करना है, ऐसा मनोरंजन होना चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिले और हमारा मनोरंजन भी हो जाए। तो रक्षाबंधन की बात मैंने अपने स्टूडेंट लोगों से कहा कि रक्षाबंधन के बारे में लिखना है, लेकिन उन लोगों ने लिखने पहले तो लोग तैयारी नहीं हुए, मतलब क्या लिखेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सोचिए कि आप लोगों को दिया जाता है किसी टॉपिक पे लिखने के लिए, तो माइंड सेट करना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट पे अगर लिखने के लिए दिया जाए तो आपको सेट अपना दिमाग सेट करना पड़ता है कि हमको अगर एक पेज लिखना है तो उसी तरह का सोचना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के बारे में लिखने के लिए दिया जाता है तो आप उस पर क्वेश्चन बनाइए। पहली बात तो क्या है कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, किस चीज़ का प्रतीक है ये, किसका सिंबल है, क्या चीज़ दर्शाता है ये। तो रक्षाबंधन मनाया जाता है सावन की पूर्णिमा को, रक्षाबंधन मनाया जाता है। हिंदी मंथ जो है, हिंदी महीने का नाम भी आप लोगों को कुछ जानना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें, ये बेहतर रहेगा। जब भी त्यौहार पर्व के बारे में लिखने के लिए आता रहेगा आएगा तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह का लिखना है, सावन की, आसिन, कार्तिक की, तो इस तरह की चीज़ें लिखना है। उसके बाद जो है क्या सिंबल है, मतलब क्या दर्शाता है, तो भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन डालिए कि इससे जो जुड़ी कहानियाँ हैं, ये जो है प्राचीन कहानियाँ, किसी भी चीज़ से कुछ ना कुछ कहानियाँ जुड़ी रहती है। तो रक्षाबंधन के बारे में भी कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका कृष्ण, कृष्ण जब शिशुपाल का हत्या किया था अपने सुदर्शन चक्र से, तो उस समय सुदर्शन चक्र से उसका उंगली कट गया था, शिशुपाल की हत्या हो गया था, उसका उंगली कट गया और खून निकलने लगा। तो तुरंत ही जितने भी लोग थे वहाँ पे सभी कुछ ना कुछ व्यवस्था करने के लिए भागे, और वहीं पे द्रौपदी थी और उसके उंगली में अपना आंचल फाड़ के उसके उंगली में लपेट देता है, श्री कृष्ण की उंगली में, उसका खून रुक जाता है। तभी से जो है उसको श्री कृष्ण ये वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। एक भाई बहन की तरह उन लोग हो जाते हैं। और जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था उस समय श्री कृष्ण उसको अपना वादा निभाए थे उसको रक्षा करके। इस तरह से और एक कहानी है जो इंद्र, इंद्र जब असुर से बहुत समय तक लड़ाई होने के बाद हार गए थे, तब उसको जो है उनकी पत्नी एक धागा देती है जो कहती है कि आप जो है किसी ब्राह्मण से बंधवा लें, तो वे अपने गुरु गुरु बृहस्पति से बंधवा लेते हैं और फिर युद्ध में जीत जाते हैं। इसके बाद एक इधर का कहानी है, मुगल साम्राज्य जब चल रहा था उस समय कर्णावती नाम की एक रानी थी जो मेवाड़ की रानी थी, और उस समय उसके कोई पड़ोसी राजा जो था भातुशाह नाम करके था उस पर हमला कर दिया, और उस समय वो असमर्थ थी अपने राज को बचाने में क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो मारा गया था। वैसी स्थिति में वो हुमायूं को एक राखी भेजती है और उससे मदद मांगती है। हुमायूं जो है उसकी वैल्यू समझते हुए उसको मदद करने के लिए वहां से चल देता है। इस तरह की कहानी कई सारा जो है रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। तो एक दो कहानी अगर एक्सप्लेन करते हैं आप तो क्या होगा कि आपके पेज भर जाएगा इस तरह से। और अंततः फिर आप लिख सकते हैं कि उसके पहले किसी भी त्यौहार है उसके पहले क्या तैयारी किया जाता है और उस दिन क्या काम होता है उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर इतना सारा चीज़ आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर लिखेंगे तो आपका पेज फुल हो जाएगा और एक पेज से दो पेज भी जा सकता है। इसीलिए कोई भी चीज़ क्रिटिकल ऐसा नहीं है, आप कैसा सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको क्रिएटिव सोचने के लिए, रचनात्मक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग लाने के लिए मदद करेगा। इसी तरह का सोच बनाना है। अदर सब्जेक्ट जो होता है उसमें भी कई एग्जाम में आपको लिखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। इसी तरह का थिंकिंग बनाना है और आप जितना वर्ड लिखना चाहते हैं उतना क्रिएटिव हो सकता है, उतना क्रिएट हो सकता है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा, और इसी तरह का वीडियो में मैं आपको फिर से नेक्स्ट संडे को मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।